दोस्तों, पिछले कुछ सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम एशिया के इस्लामिक देश अपने आप से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, साल 2021 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर के खिलाफ नाकेबंदी खत्म कर दी थी और अब यमन को लेकर भी सऊदी अरब का रुख धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ तक कि टर्की भी अब अपने रिश्ते सऊदी अरब और यूएई से सुधारना चाहता है। लेकिन अचानक ये देश अपने रिश्ते क्यों ठीक कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या ये देश आपस में जुड़कर एक बड़ी शक्ति बनना चाहते हैं, चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, कुछ समय पहले जब टर्की में भूकंप आया था, तब सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि वो टर्की के सेंट्रल बैंक में $5 बिलियन जमा करेगा। कुछ समय पहले टर्की के जो हालात थे और जो वहां पर भूकंप आया था, उसकी वजह से टर्की लगभग बर्बाद हो गया था और इस कारण ही सऊदी अरब ने अपना खजाना टर्की के लिए खोल दिया था। लेकिन सऊदी अरब की इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि जो देश कभी एक साथ नहीं आए, आज वो एक दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जिस देश की वजह से टर्की की इकोनॉमी पर इतना असर पड़ा था, वो आखिर क्यों टर्की की मदद कर रहा है, क्यों आपस में इस्लामिक कंट्री एक दूसरे के साथ आ रही हैं? दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि ये सब तब हो रहा है जबकि टर्की के संबंध पहले से ही पश्चिम से खराब चल रहे हैं और वहीं अब सऊदी अरब का रिश्ता भी अमेरिका से काफी तनाव भरा हुआ है। ऐसे में यूएई भी पश्चिम की बात नहीं मान रहा है। यानी कि इस दौर में जब सभी इस्लामिक देशों के रिश्ते पश्चिम से खराब हैं, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिन देशों की आपस में दुश्मनी होती थी, आखिर वो क्यों एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ हुआ है, उस वजह से पश्चिम एशिया के देशों का विश्वास अमेरिका की तरफ से डगमगा गया है। गल्फ कंट्रीज को अब लगने लगा है कि इस इलाके में अपनी डिप्लोमेसी खुद ही चलानी पड़ेगी। जी हाँ, यही कारण है कि सऊदी अरब खुद ईरान से बात कर रहा है, यूएई खुद टर्की जा रहा है, नया माहौल शुरू हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर दिया था और अपना बोरिया बस्तर समेट लिया था, उससे एक मैसेज ये भी गया कि अमेरिका किसी भी काम के लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाता है और यही वजह है कि अमेरिका को लेकर इन देशों के मन से भरोसा उठ गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन इस्लामिक दुनिया का नेता बनना चाहते हैं। ऑटोमन एम्पायर की विरासत के कारण वह इस पर टर्की का एक अधिकार मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब मक्का और मदीने के कारण इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व पर अपना स्वाभाविक हक मानता है। अगर हम बात करें तो पश्चिम एशिया मल्टीपोलर है, साउथ एशिया की तरह बाइपोलर नहीं है। वह कतर अमीर है तो सऊदी अरब और यूएई भी अमीर हैं। तीनों देश अपनी अमीरी के दम पर ही अपने इलाके में प्रभाव बढ़ाते रहते हैं। और जहां तक सऊदी अरब की टर्की की मदद करने की बात है, तो दोस्तों ये सब सऊदी ने अपने लिए किया है। जी हाँ, ऐसा करके सऊदी ने अपना मुनाफा देखा है ताकि वो अपना प्रभाव बढ़ा सके। यानी कि अगर कहा जाए कि इन देशों की दुश्मनी अभी पूरी तरह से दोस्ती में नहीं बदली है, तो ये कहीं ना कहीं सही है। इस्लामिक देशों की दोस्ती के बारे में इस वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चलिए अब आपको बता दें दोस्तों कि कैसे बिगड़े इन इस्लामिक देशों के रिश्ते। दोस्तों, साल 2011 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो टर्की और सऊदी अरब दोनों ही देशों का रुख बिल्कुल अलग रहा था। दोनों देशों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण अरब स्प्रिंग में सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अपने अपने हिसाब से देखा। अरब स्प्रिंग में सरकारों के खिलाफ उठी बागी आवाज से सऊदी के साथ साथ मध्य पूर्व के कई राजशाही और तानाशाही सरकारों में डर फैलने लगा था कि कहीं उनकी कुर्सी भी खतरे में न आ जाए। शुरुआत में एर्डोगन अरब स्प्रिंग को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि टर्की की सत्ता में भी सैन्य तानाशाहों के नियंत्रण का इतिहास रहा है, तो ऐसे में एर्डोगन का समर्थन करना बहुत चौंकाने वाला नहीं था। लेकिन टर्की के इस रुख ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया था और दोनों देशों के रिलेशंस पटरी से उतर गए थे। उसके बाद जब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने जून 2017 में कतर के खिलाफ नाकाबंदी की, तब भी टर्की ने इसका विरोध किया था। टर्की ने इस नाकाबंदी का हर तरह से उल्लंघन किया, यहाँ तक कि टर्की ने अपने सैनिकों को भी कतर भेजा था। चारों देशों ने टर्की के इस रुख को दुश्मनी की तरह लिया था। इस तरह से सऊदी से तो टर्की के रिश्ते खराब हो ही गए थे और इसी तरह से इन बाकी देशों से भी टर्की के रिश्तों में दरार पड़ गई थी। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब और टर्की के रिश्तों की रही सही कसर वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोजी की इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में हत्या से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा खराब हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जमाल खशोजी सऊदी के ही थे और वह वहां की मोनार्की के खिलाफ खुलकर लिखते थे। ऐसे में टर्की ने खशोजी की हत्या का ऑडियो जारी कर दिया और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर सीधा इल्जाम लगाया था। उस समय सऊदी क्राउन प्रिंस की इमेज पश्चिम में एक रिफॉर्मिस्ट लीडर की बन रही थी, लेकिन खशोजी हत्याकांड से सब कुछ उल्टा पड़ गया था। अब जब से टर्की के नए राष्ट्रपति एर्डोगन बने हैं, वो खाड़ी देशों से अपने रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि एर्डोगन के पहले तक टर्की की राजनीति में सेना का दखल ज्यादा रहता था। 2003 के पहले तक टर्की में सेना का दबदबा रहता था। टर्की के पूर्व राष्ट्रपति अतातुर्क भी फौज से ही आए थे, लेकिन फिर आकर एर्डोगन ने इसे खत्म कर दिया।
एर्डोगन के आने के बाद से टर्की में प्राइवेट बिजनेसमैन भी उभर कर सामने आए थे। इसी के साथ ही टर्की की सरकार में सेना का दखल खत्म हुआ था। इस लिहाज से देखें तो एर्डोगन ने टर्की की राजनीति व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। टर्की ने खाड़ी देशों से संबंध सुधारना तब शुरू किया जब पश्चिम में वह बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। यहाँ तक कि टर्की ने इसराइल से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की। सालों बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ अपने अपने राजदूतों को भेजा। दरअसल जब सऊदी और टर्की में ये विवाद हुए, उस वक्त टर्किश सामानों का सऊदी में निर्यात 90% गिर गया था। ऐसे में टर्की को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए भी सऊदी से रिश्ते ठीक करने की जरूरत पड़ रही है। और रही सही कसर टर्की में आए हाल ही के भूकंप ने कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस भूकंप ने टर्की में काफी तबाही मचाई, जिस वजह से टर्की की हालत खराब हो गई है। ऐसे में सऊदी अरब ने टर्की की मदद करके ये बात साबित कर दी है कि अगर टर्की पहल कर सकता है तो सऊदी भी पहल कर सकता है। और दोस्तों, ये रिश्ते टर्की के लिए सुधरना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि टर्की पर इन रिश्तों का बुरा असर पड़ा है। पिछले साल डॉलर की तुलना में टर्की की मुद्रा लीरा में 30% की गिरावट आई थी। 2021 में डॉलर की तुलना में लीरा 44% कमजोर हुई थी। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में टर्की में विदेशी मुद्रा भंडार काफी कमजोर हुआ है। अभी टर्की का विदेशी मुद्रा भंडार 20 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया है। ऐसे में टर्की के लिए और भी ज्यादा जरूरी होता है कि वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध अच्छे करे और उनके साथ मिलजुल कर रहे। वहीं दोस्तों, अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और टर्की के लिए रिश्ते ठीक होना दोनों ही देशों के इंटरनेशनल राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। दोनों ही देशों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। टर्की सऊदी अरब और यमन के बीच के रिश्तों में मीडिएटर भी बन सकता है, क्योंकि अब सऊदी अरब यमन से भी अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें टर्की और यूएई की, तो इनकी जो टेंशन है वो विचारों को लेकर है। आपको बता दें कि पॉलिटिकल इस्लाम और मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर दोनों देशों की सोच अलग अलग रही है। यहाँ तक कि एर्डोगन के खिलाफ नाकाम तख्ता पलट में यूएई भी शामिल रहा है। लेकिन लीबिया में टर्की के सैन्य हस्तक्षेप को लेकर भी यूएई सहमत नहीं था। वहीं सऊदी अरब ने 2014 में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। सऊदी अरब ने ऐसा कतर पर दबाव डालने के लिए किया था। ऐसे में अगर टर्की के रिश्ते इन दोनों ही देशों से अच्छे हो जाते हैं तो टर्की कतर की तरफ से भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। इस तरह से अगर इन सभी इस्लामिक देशों के रिश्ते सुधर जाते हैं तो इन सभी देशों के लिए ये फायदे का सौदा होगा। इसमें क्या लगता है आपको कि क्या कभी इन देशों के आपसी रिश्ते सुधर पाएंगे? क्या सभी इस्लामिक देश आपस में मिलकर पश्चिमी देशों के सामने खुद को खड़ा कर पाएंगे? हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना दोस्त बिल्कुल ना भूलें।